हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। और किसी भी बॉडी को अगर हम लोगों को चार्ज करना है तो उसके दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है कंडक्शन और एक होता है इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग के दो तरीके हो गए हमारे पास, एक हो गया कंडक्शन, दूसरा हो गया इंडक्शन। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो इनमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो कंडक्शन है उसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। फिजिकल कॉन्टेक्ट मतलब आपके पास एक चार्ज बॉडी है, दूसरी आपके पास अनचार्ज बॉडी है, दोनों को टच करना पड़ेगा कंडक्शन होगा। ठीक है, और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आज हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें इंडक्शन की। इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसको अगर हम लोगों को समझना है तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे एक मेटालिक स्फेयर है जिसको हम लोगों ने माउंट किया है एक इंसुलेटेड स्टैंड पे। ये इंसुलेटेड स्टैंड हो गया और ये मेटालिक स्फेयर हो गया। इनिशियली ये जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल। अब इक्वल है तो इसका जो नेट चार्ज होगा जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं वो कितना होगा, जीरो। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं कि ये जो चार्ज अनचार्ज बॉडी है इसको हम लोगों को चार्ज करना है। इसको चार्ज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ज बॉडी, जैसे हमारे पास एक मेटालिक रॉड है जिसपे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्लोज लेके आते हैं इस अनचार्ज बॉडी के। अब इसके पास जब हम लोग लेके आएंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ इसका अक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और जो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब इस बॉडी पे पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब अगर हम लोग ये काम करें कि इस चार्ज बॉडी को हटा लिया, सपोज इस रॉड को हम लोगों ने हटा लिया, तो क्या होगा कि ये जो चार्ज स्फेयर है, जो चार्ज हो चुका था एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ गया था, ये वापस से नेट चार्ज इसका कितना हो जाएगा, जीरो। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे चार्ज। ठीक है, अब हम लोगों को तो इसे चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो हम लोग इस स्फेयर को इस तरफ से अर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थ करने से क्या होगा, अर्थ से फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो फिर न्यूट्रलाइज हो गया तो यहां पे फिर कौन सा चार्ज बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आप अगर इस रॉड को हटा लेते हैं यहां से तो ये जो नेगेटिव चार्ज था जो कि एक तरफ शिफ्ट हो गया था, अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये नया जो केस इसका बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहां पर यह स्टैंड इस तरीके से। तो ये था किसी एक सिंगल बॉडी को चार्ज करना। अब देखिए यहां पे जो चार्ज बॉडी मिली है वो हम लोगों को कैसे मिली है, नेगेटिव चार्ज बॉडी मिली है। लेकिन हम लोगों को अगर दो बॉडी है हमारे पास, एक को नेगेटिव चार्ज देना है और दूसरी को पॉजिटिव चार्ज देना है, तो उसका भी एक तरीका होता है। हम लोगों ने यहां पर एक मेटालिक स्फेयर ए लिया, इसी के कॉन्टेक्ट में दूसरा सेम साइज का मेटालिक स्फेयर बी लिया, इन दोनों को हम लोगों ने माउंट किया, इंसुलेटेड स्टैंड है ये इंसुलेटेड, ताकि इनका चार्ज जो है वो अर्थ नहीं हो जाए या कुछ और, है ना। अब हम लोगों ने क्या किया कि यहां पे एक इसके पास इनिशियली देखें तो इसका नेट चार्ज जीरो है जो यहां बात की थी, वैसे ही इसका नेट चार्ज भी कितना है, जीरो। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, इक्वल है उनकी वैल्यू। ठीक है, यहां पे ये पॉजिटिव रॉड जो है अगर हम लोग इसके क्लोज लेके आते हैं, इफ वी ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू स्फीयर ए, तो अब क्या होगा, देखिए अभी ये दोनों के बीच में फिजिकल कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो इनके जो नेगेटिव चार्ज है दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस रॉड, है ना। और आप लोग देख सकते हो यहां पे कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट इनके बीच में, ये चार्ज बॉडी है ये अनचार्ज बॉडी है, यहां भी हमने जो रॉड बनाई थी उसको इससे टच नहीं किया था, है ना। तो यहां पर ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये इंडक्शन है, चार्ज बाय इंडक्शन। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इसका जो ये इसका भी पॉजिटिव चार्ज और इसका भी पॉजिटिव चार्ज ये इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इस रॉड को जो चार्ज थी इसको हटा लें, यहां से हम लोगों ने हटा लिया, तो ये जो चार्ज दोनों का है नेगेटिव इस पे ज्यादा है और इस पे पॉजिटिव ज्यादा है,
तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट होके ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे, इस टाइप से हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हम लोगों को इसको रिमूव करने के पहले सबसे पहले इन दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। अगर हम लोग इन दोनों को थोड़ा सा दूर, इसको यहीं रहने दिया, ठीक है, इनके बीच का जो ये कॉन्टेक्ट है ये हटा ले, सपोज कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, दूर दूर कर दिया, इसको स्फीयर बी को थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए, अब देखेंगे तो क्या होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब अगर हम लोग इस रॉड को यहां से हटा भी लेंगे तो ये जो स्फीयर है ये अपनी जगह पे रहेगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज जो है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका नया केस हमें इस टाइप से मिलेगा, और इसका जो नया केस हमको मिलेगा वो इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास एक चार्ज बॉडी थी जो कि रॉड थी, और दो अनचार्ज बॉडी थी, ए और बी स्फीयर थे, उस पे हम लोगों को चार्ज मिल चुका है, एक पे नेगेटिव चार्ज मिला है और दूसरी पे पॉजिटिव चार्ज मिला है, इस तरीके से। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो डाउट या फिर आपको जो ये समझ है ये बन गई होगी। अगर मैं सही हूं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, रेगुलर हमारे वीडियो आते रहते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। धन्यवाद।